हेलो एवरीवन, किचन रेसिपी बाई रेखा में आप सभी लोगों का स्वागत है। रेस्टोरेंट तो हम लोग जाते रहते हैं तो, और एक हम लोग पनीर की कोई ना कोई डिश तो ऑर्डर करते हैं। कढ़ाई पनीर एक ऐसा है जिसकी ग्रेवी भी मसालेदार और स्पाइसी होती है, तो आज हम आपको कढ़ाई पनीर बनाकर दिखाएंगे। अब सबसे पहले कढ़ाई पनीर के लिए खड़ा मसाला तैयार करते हैं। पैन कोई भी चढ़ा लीजिए, उसको गरम कर लीजिए। उसमें एक चम्मच हरा धनिया, आधा चम्मच जीरा, आठ से दस खड़ी काली मिर्च और कश्मीरी मिर्च कलर लाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी मिर्च में उतना तीखा नहीं होता है और कलर भी आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। उसको चार मैंने ली है, आप लोग ज्यादा भी कर सकते हो क्योंकि ये तीखी नहीं होती है। और आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, एक बड़ी इलायची। इन सबको भूनना है फिर ग्राइंड करना है। ये मेरे खड़े मसाले हैं। देखिए मेरा खड़ा मसाला भून गया है और ये मैं 250 ग्राम पनीर ले रही हूँ इसके लिए, तो आप उसी हिसाब से रेशियो अपना रखिएगा। ज़्यादा पनीर रखिएगा तो उसी हिसाब से आप अपनी खड़े मसाले बढ़ा लीजिएगा। अब इसको ठंडा होने के लिए रख के उसके बाद मैं ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, ग्रेवी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ टमाटर और उसका पेस्ट। तो एक चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ और ये मसाला मैंने भून लिया है, बहुत महीन नहीं रखा है, हल्का सा दरदरा सा रखा है इस मसाले को। अब इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा, मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है, थोड़ा बड़े बड़े पीस काट लिए हैं क्योंकि इसको अभी मिक्सी में ग्राइंड करना है। हल्का लाल करना है इसको, बहुत बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, ब्लैक नहीं करना है। और साथ में टमाटर भी इसको डाल देंगे। एक मीडियम साइज का मैंने दो मीडियम साइज के यहाँ पे टमाटर लिए हैं। इसको थोड़ा सा पका के, ज्यादा नहीं पकाना है, फिर इसको ग्राइंड करना है ग्रेवी के लिए। देखिए इस तरीके का प्याज और टमाटर रखना है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मिर्ची से ग्राइंड कर लेंगे, इसको निकाल लेते हैं। 250 ग्राम पनीर लिया है, इसके पीस काट लेते हैं। अपने हिसाब से आप छोटे बड़े कर सकते हैं। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि पनीर को भी अभी भूनना, हल्का सा फ्राई करना है। ये पनीर मैंने काट लिए, इधर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें जरा सा थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने और पूरे में फैला दिया। अब इसमें पनीर डाल दिया, देखिए पनीर मेरे हो गए हैं, इसको मैं निकाल रही हूँ। अब फिर से कढ़ाई चढ़ाई मैंने, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। उसमें एक शिमला मिर्च मैंने लिया है, बड़े बड़े पीस काटे हैं, ये देखिए इसी तरीके से आप भी काटिएगा। एक प्याज लिया है, थोड़ा सा लार्ज साइज का प्याज था, ऐसे उसके भी बड़े बड़े पीस काटने हैं, उसको भी इसमें डालना है।
5 मिनट के लिए इसको भी ऐसे गलाना है, थोड़ा सा गल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। अब ये देखिए मेरे 5 मिनट हुए हैं, मीडियम साइज लो में किया था तो अभी अभी थोड़े से हो गए, इसको अब निकाल लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए मुझे कढ़ाई चढ़ानी है, कढ़ाई पनीर के लिए तो कढ़ाई में ही पनीर बनना चाहिए, तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है कढ़ाई पनीर के लिए। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालने हैं, थोड़ा सा। अभी देखिए कढ़ाई मेरी हो गई है, तेल इसका हो गया है, जो मसाला मैंने पीसा वो मैंने डाल दिया और इसमें अब डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच डालना है पिसा धनिया 1/2 चम्मच, 1 इंच अदरक ली थी, थोड़ा सा लहसुन, तो दोनों को पेस्ट बना लिया था वो डाल रहे हैं। आप लोग लहसुन खाते हो तो डालिएगा, वरना अवॉइड करिएगा, मत डालिएगा। प्याज लहसुन तो आप लोग अपने हिसाब से डालिए, खाते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं। और ये खड़ा मसाला जो मैंने पीस के रखा था वो भी डाल रहे हैं। मिक्सी से जो पानी बसा मसाला पीसा था उसका, वो मैंने बाद का धो के इसे इसी में मिला देंगे उसको पानी। अब इस मसाले को अच्छे से भूनना है। किनारी से तेल छूटने लगा है, मेरा मसाला भून के तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं डाल ली थोड़ा सा मक्खन और नमक थोड़ा सा स्वादानुसार, क्योंकि थोड़ा भी पहले भी डाल चुके हैं सूखे मसाले खड़े मसाले के साथ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें 1 कप पानी डालने हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से कम ज्यादा पानी डाल सकते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च भी उसको बोलते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं। आप लोग अपने स्वादानुसार डालिएगा, ये तीखी नहीं होती है। थोड़ा सा हरा धनिया, अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज मिक्स करते हैं। लॉकडाउन है, वैसे भी लोग होटल रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, आप लोग घर पे बनाइए रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई पनीर। जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब इसको पनीर भी इसके साथ डाल देते हैं, 5 मिनट के लिए इसको और पका लेते हैं। थोड़ा सा कढ़ाई पनीर मसाला भी डाल रहे हैं, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तीन चार मिनट के लिए इसको बंद कर रहे हैं। अभी देखिए मेरी कढ़ाई पनीर तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। देखिए आप लोग भी बनाइए इसको घर पे, बताइएगा कैसी लगी मेरी कढ़ाई पनीर। आप लोग कढ़ाई पनीर बनाइएगा घर पे और बताइएगा मेरी कढ़ाई पनीर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।